अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी तो आपने देख ही ली है, पालक गोश्त और ज़ीरा राइस। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। किलो चिकन लिया है और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन मैंने मसाले के लिए पहले से कट कर ली हैं। प्रेशर में मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। और ये है बॉयल पालक, ये मैंने पालक को बॉयल करके ग्राइंड कर लिया है। और ये है मसाले, नमक, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और दादा मिर्च ना मुझे पालक गोश्त में बहुत पसंद है और इससे ना बहुत अच्छा जायका भी आता है। तो ये मैंने जो है अब मैं प्रेशर में मसाला रेडी कर लूँगी। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया क्योंकि प्रेशर में बहुत इजी हो जाता है। और फिर अभी साथ में मैं दूसरी कढ़ाई में ऑयल में गरम मसाला डाल रही हूँ। तो इसमें मैं करूँगी पालक का ना पानी खुश कर लूँगी। इसमें ज़रा गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग पालक ऐड कर देंगे। और जैसे जैसे पालक खुश्क होती जाएगी ज़रा उसका जायका बड़ा अच्छा हो जाता है। और जो हम लोग दूसरी उसमें डालते हैं ना डायरेक्ट मसाले में, इस तरह पालक डाल देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुलबुले और ऐसे छिटकार सी उड़ती है बड़ी गर्म गर्म से ना, वो लगती है। तो इससे यह है कि मैं इस पर ढक्कन दे दूँगी तो ईज़िली इसका ना से ना पानी खुश्क हो जाएगा पालक का। और फिर मैं दूसरी तरफ मां चिकन का मसाला रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने मसाला रेडी कर लिया है। ये जो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें डाली थी ना उसको, ये भी प्रेशर में बन चुकी हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये साथ साथ हमारे पालक का पानी खुश्क हो रहा है, चिकन ऐड कर दिया। अब हम अपने चिकन को इस मसाले में अच्छी तरह भून लूँगी ताकि ना ये चिकन मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जायका बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। तो साथ ही अब मैं ना अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लूँ। मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी तो वैसे मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो ये मैंने अपने लिए चाय रख ली है, साथ में चाय पियेंगे। सर्दियों में ना वैसे भी चाय की ना खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए, ये हमारा यम्मी सा मसाला रेडी हो चुका हुआ है। और इसमें अब हम ये पालक का पानी देखते हैं, ये भी खुश्क हो गया है। ये अब मैंने चिकन और पालक को एक साथ मिक्स करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बहुत ही मज़े की ये डिश है। और चावलों के साथ इसको हम खाएंगे। ये बनने के बाद मैं चावल रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, गरम गरम धुएँ निकल रहे हैं। अब दिल भी नहीं कर रहा है इसको मिक्स करने का, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो चले मिक्स करते हैं इसको। हाँ जी, ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी लुक आ रही है। अभी इसने अभी और अभी पकना है थोड़ा सा इसको, भी अब हम दम पे लगा देंगे मिक्स करने के बाद। और जितनी देर इसका दम होगा उतनी देर हमारे ज़ीरा राइस हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। और सर्दियों में तो वैसे किसी खाने से ऐसे धुएँ आ रही हो ना तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं भी लगे तो लग जाती है। तो ये मैंने दूसरी तरफ ज़ीरा राइस रेडी करने वाली हूँ। मैं जब ज़ीरा राइस बनाती हूँ तो उसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, जस्ट ऑयल में अदरक लहसुन ऐड किया और साथ में गरम मसाला ज़ीरा वगैरह डाल देती हूँ। तो ये ज़रा फटाफट हम लोग साथ में ज़ीरा राइस तैयार कर लें। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। तो आजकल वैसे ही गैस भी थोड़ी स्लो हो जाती है, तो शुक्र अल्लाह का हमारे इलाके में इतनी स्लो नहीं होती है। बस ये फटाफट से अब रेडी हो जाए तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ये देखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। खुशी कलसूम व्लॉग को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।